नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल फिनावेज पे। ONGC का स्टॉक और भी गिर सकता है क्या? यहाँ से और भी ये स्टॉक गिरावट बना सकता है क्या? देखिए, ONGC में जब ये गिरावट बन रहा है, हमें लगता है कि थोड़ा बहुत और भी यहाँ पे गिरावट बनता हुआ देखने को मिल सकता है। ONGC का शेयर दोस्तों कुछ ही दिनों के अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न दिया है इन्वेस्टर्स को, और स्टॉक में अभी एक यहाँ पे गिरावट बनता हुआ देखने को मिल रहा है। ONGC को लेके बहुत सारे अपडेट्स हैं, हम लोग कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से वो आपके साथ शेयर किया जाए। रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो पे पूरा बने रहिए, कभी भी स्किप मत कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फिनोवेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, शेयर मार्केट से जुड़े कंटेंट पाने के लिए। स्टॉक की बातें तो दोस्तों एक दिन के अंदर देख सकते हैं ONGC के शेयर में लगभग 0.1% के आसपास गिरावट बनता हुआ देखने को मिल रहा है। वही बात करते हैं एक हफ्ते के अंदर 0.7% के आसपास गिरावट दिया है, और एक महीने के अंदर 6% के आसपास जो है तेजी बनाया है शेयर का। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जो है ONGC का ड्यूरेबिलिटी 50 है आउट ऑफ 100, वैल्यूएशन 7470 के आसपास है आउट ऑफ 100, एंड मोमेंटम 66.30 आउट ऑफ 100। तो ONGC का यहाँ पे दोस्तों जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है ONGC के शेयर का, वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बुलिश लेवल फिलहाल अभी बनता हुआ देखने को मिल रहा है। RSI इंडिकेटर कह रहे हैं कि ये जो शेयर है ना कि ओवरबॉट लेवल पे है ना कि ओवरसोल्ड लेवल पे, वही बात करते हैं दोस्तों MACD इंडिकेटर कह रहे हैं एक बुलिश लेवल बना रहा है। तो दोस्तों अभी यहाँ पे देखते हैं हम लोग जो इसका एक दिन का लो प्राइस बनाया है ONGC के शेयर ने, वो है 185 रुपीस का, और जो हाई प्राइस दिया है वो है 187.70 पैसे के, इसने हाई प्राइस बनाया एक दिन का ये हाई प्राइस है और लो प्राइस। और अभी यहाँ पे एक हफ्ते का देखते हैं तो 185 रुपीस का इसने लो प्राइस बनाया, हाई प्राइस बनाया और 191.70 पैसे का, और एक महीने के अंदर का देखते हैं तो एक जो है यहाँ पे एक महीने के अंदर का जो इसने 172.80 पैसे का लो प्राइस बनाया है एक महीने के अंदर, और हाई प्राइस दिया है 191.70 पैसे का। तो अभी यहाँ पे इसका देख सकते हैं आप, जहाँ पे बोल सकते हैं कि इसका जो BSE और NSE मिला डिलीवरी परसेंटेज, माफ़ कीजिए, जो BSE और NSE मिला का जो एवरेज है वो है 8 मिलियन का, डिलीवरी परसेंटेज 49.2% का है, डिलीवरी वॉल्यूम 3.9 मिलियन का है। एक हफ्ते के अंदर 11.7 मिलियन का BSE NSE मिला के एवरेज देखने को मिल रहा है, डिलीवरी परसेंटेज 56.7% का है, डिलीवरी वॉल्यूम 6.6 मिलियन का है। एक महीने के अंदर 11.5 मिलियन का BSE NSE मिला के एवरेज देखने को मिल रहा है, डिलीवरी परसेंटेज 51.8% का है, डिलीवरी वॉल्यूम 6 मिलियन का है। तो दोस्तों आप ही यहाँ पे ONGC का जो शेयर होल्डर्स है उसमें देख सकते हैं, जो बोल सकते हैं कि जो प्रोमोटर्स है, प्रोमोटर्स के पास 58.89% का स्टेक है, और जो FIS है दोस्तों, FIS देख सकते हैं यहाँ पे 7.97% का स्टेक था, FIS ने स्टेक यहाँ पे बढ़ा दिया है 8.11% का स्टेक कर दिया है। म्यूचुअल फंड के पास 8.73% का स्टेक था, तो म्यूचुअल फंड ने जो स्टेक यहाँ पे घटा दिया है 8.69% का स्टेक कर दिया है। अदर इंस्टीट्यूशन के पास 21.44% का स्टेक था, अदर इंस्टीट्यूशन ने स्टेक यहाँ पे बढ़ा दिया है 21.44% का स्टेक कर दिया है, और पब्लिक के पास 2.94% का स्टेक था, पब्लिक ने जो स्टेक यहाँ पे घटा दिया है 2.87% का स्टेक कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो बोल सकते कि जो प्रोमोटर्स हैं, प्रोमोटर्स के पास उतना ही स्टेक है, और FIS ने जो है स्टेक यहाँ पे बढ़ा दिया है, म्यूचुअल फंड ने स्टेक घटा दिया है। और वही बात करते हैं दोस्तों जो अदर इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पे थोड़ा बहुत स्टेक बढ़ा दिया है, और पब्लिक ने स्टेक यहाँ पे घटा दिया है। तो ONGC का शेयर अभी देखेंगे दोस्तों, तो मतलब इसका बोल सकते कि जो एक अपडेट आया है उसके चलते हो सकता है कि स्टॉक में और थोड़ा गिरावट बने, और यहाँ पे जो एक एवरेज ब्रोकर टारगेट प्राइस देखने को मिल रहा है ONGC के शेयर को लेके, तो वो आप देख सकते हैं मतलब बाई करने के लिए जो है, जो एनालिस्ट है शेयर मार्केट के, 6 ऐसे एनालिस्ट है जिन लोगों को लगता है कि ONGC के स्टॉक में बाई करना चाहिए, और एंड सेल करने के लिए फिलहाल कोई भी नहीं कह रहा, होल्ड करने के लिए 2 ऐसे एनालिस्ट है वो लोग कह रहा है। तो यहाँ पे जो एक एवरेज ब्रोकर टारगेट प्राइस देखने को मिल रहा है दोस्तों ONGC के शेयर में, वो है 198 रुपीज़ के ऊपर का यहाँ पे एक एवरेज ब्रोकर टारगेट प्राइस देखने को मिल रहा है ONGC के शेयर में। तो अभी यहाँ पे जो एक बहुत बड़ा अपडेट आया है, जहाँ पे विंडफॉल टैक्सेस जो है वो बढ़ गया है, उसके चलते ONGC के स्टॉक में एक हीट आ रहा है, मतलब एक गिरावट बन रहा है। अभी यहाँ पे देखेंगे तो ONGC जो है यहाँ पे बताया जा रहा है, ONGC ट्रेड जो है यहाँ पे फिलहाल उतना कुछ बोल सकते कि जो है स्टॉक में जो है गिरावट बना, तो अभी यहाँ पे चलिए समझते हैं क्या कहा जा रहा है। आप देख सकते कि स्टॉक्स ऑफ स्टेट रन ऑयल प्रोड्यूसर्स
ONGC and Oil India are largely unfazed by the hike in windfall tax. तो windfall tax जो है वो बढ़ गया है, वो बढ़ गया है इसके चलते जो है अगर देखेंगे तो वो एक ये होगा ONGC में, जिसके चलते शेयर में भी थोड़ा गिरावट बन रहा है. तो ONGC का अभी ये एक बोल सकते हैं कि टैक्स बढ़ गया है windfall का, तो इसके चलते थोड़ा जो है इसका शेयर के प्राइस में गिरावट बोल सकते हैं कि बनता हुआ देखने को मिल रहा है. एंड यहाँ पे देख सकते हैं ONGC ट्रेडेड लिटिल चेंज्ड, ऑयल इंडिया एज्ड अप मार्जिनली ऑन सेप्टेम्बर 18. अभी यहाँ पे देखेंगे दोस्तों ONGC के शेयर का मतलब बोल सकते हैं कि ऑन सेप्टेम्बर 15 जो है द गवर्नमेंट अनाउंस्ड ए हाइक इन windfall tax ऑन डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल ₹2 10,000 पर टन फ्रॉम 6,700 पर टन. तो यहाँ पे देखिए जहाँ पे जो बोल सकते कि पर टन जो इसका प्रोडक्शन के ऊपर जो पर टन का विंडफॉल टैक्स था वो था 6,700 पर टन, और वो बढ़ के अभी गवर्नमेंट ने कर दिया है 10,000 पर टन. ये जो है अनाउंस किया है गवर्नमेंट की ओर से, अनाउंस किया गया है 15 सितंबर को, जहाँ पे विंडफॉल टैक्सेस बढ़ गया है, बढ़ा दिया है डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल का. तो अभी यहाँ पे द इंक्रीज बिकम इफेक्टिव ऑन सितंबर 16. इन इट्स प्रीवियस रिव्यू द गवर्नमेंट हैड रिड्यूस्ड द सो कॉल्ड स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी ऑन क्रूड पेट्रोलियम ₹2,6,700 पर टन फ्रॉम 7,100 पर टन. तो यहाँ पे गवर्नमेंट की ओर से ये जो अपडेट आया था जहाँ पे गवर्नमेंट ने जो बोल सकते कि इसका जो क्रूड ऑयल के ऊपर का जो ये विंडफॉल टैक्स है वो बढ़ा दिया है, 16 सितंबर से ये इफेक्टिव है. एंड पहले जो इसमें था जहाँ पे गवर्नमेंट ने थोड़ा इसके ऊपर जो है एक्साइज ड्यूटी वगैरह थोड़ा कम किया था स्पेशल एडिशन में, 6,700 पर टन कर दिया था 7,100 पर टन से. तो ये अभी देखेंगे तो विंडफॉल टैक्स जो है इज ए सीज लेविड ऑन प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ अनएक्सपेक्टेड एक्सेसिव प्रॉफिट्स. This latest levy on domestic crude oil has come on back and sudden rise on global crude oil prices to ₹90 per barrel. However, SAED on diesel export will fall to 5.50 per liter from 6 per liter currently. Additionally, अगर देखते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट जो है यहाँ पे बोल सकते कि जो कट द विंडफॉल टैक्स ऑन एविएशन ट्रिब्यूनल फ्यूल. तो अभी यहाँ पे जो मतलब गवर्नमेंट की ओर से जो एविएशन ट्रिब्यूनल का जो मतलब बोल सकते कि जो इसका जो विंडफॉल टैक्स है वो कम किया है, जहाँ पे यहाँ पे बताया जा रहा है मतलब लगभग लीटर के लीटर में जो है देख सकते हैं तो ₹4 से कम करके वो ₹3.50 कर दिया गया है. देख सकते कि एडिशनल गवर्नमेंट हैज कट द विंडफॉल टैक्स ऑन एविएशन ट्रिब्यूनल फ्यूल ₹3.50 a liter from ₹4. Both ONGC and Oil India involved in oil exploration, development and production of crude oil and natural gas, transportation of crude oil and production of liquid petroleum gas. तो ये दो कंपनी हैं जो ONGC और बोल सकते कि जो दूसरा जो कंपनी है यहाँ पे ऑयल इंडिया, ये दो कंपनी जो क्रूड ऑयल है इसके प्रोडक्शन के ऊपर, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, ये सबके ऊपर काम करता है. तो ये दोनों कंपनी के ऊपर ही अगर देखेंगे विंडफॉल टैक्स बढ़ा है, तो ONGC के शेयर में बोल सकते हैं कि गिरावट जब भी बन रहा है दोस्तों, हमें लगता है कि थोड़ा बहुत यहाँ से और गिरावट बन सकता है, और कोई अगर होल्ड करना चाहता है तो ज़रूर यहाँ पे होल्ड कर सकता है. आपको क्या लगता है ONGC को लेके, उसके शेयर को लेके जरूर आप हमें कमेंट करके बताइए. डिस्क्लेमर देना चाहेंगे दोस्तों, हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहते, कोई भी शेयर आपको खरीदना चाहिए बेचना चाहिए हम लोग से भी रजिस्टर्ड नहीं है. रिक्वेस्ट करते जब भी आप कोई शेयर खरीदते या बेचते खुद से एक बार जरूर रिसर्च कर लीजिए. उम्मीद है जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा. अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए. अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए.